तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदया। शिव का कर लो ध्यान, शिव का कर लो ध्यान, शिव का कर लो ध्यान, शिव का कर लो ध्यान। हे महेश्वर महाकालेश्वर तुमको मेरा प्रणाम। शिव का कर लो ध्यान, शिव का कर लो ध्यान। हे महेश्वर महाकालेश्वर तुमको मेरा प्रणाम। गौतमी तट पर अम्बिकेश्वर का लगा है ध्यान। मन की इच्छा पूरी करते करते मुक्ति दान। शिव का कर लो ध्यान, शिव का कर लो ध्यान। हे अर्धनारीश्वर हे ब्रह्मेश्वर तुमको मेरा प्रणाम। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के नासिक जिले में स्थित है। नासिक रोड से 11 किलोमीटर नासिक पंचवटी है। कहा जाता है वहां सीता जी का हरण हुआ था। पंचवटी से 30 किलोमीटर दूर त्र्यंबकेश्वर महादेव का पावन स्थान है। मुख्य मंदिर के भीतर एक गड्ढे में 3 छोटे छोटे शिवलिंग हैं, जो ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीनों देवों के प्रतीक कहे जाते हैं। मंदिर के पीछे अमृत कुंड है। पूर्व काल की बात है, गौतम नाम से विख्यात एक श्रेष्ठ ऋषि अपनी परम धार्मिक पत्नी अहल्या के साथ निवास करते थे। दक्षिण दिशा में जो ब्रह्मगिरी है वहीं उन्होंने 10,000 वर्षों तक तपस्या की थी। एक समय वहां 100 वर्षों तक बड़ा भयानक अवर्षण हो गया। वहां रहने वाले सभी लोग नाना प्रकार के दुखों से घिर गए। उस भूतल पर कहीं भी बूंद भर पानी नहीं बचा। फिर जीवों के लिए आधारभूत जल कहां से दिखाई पड़ता। उसी समय मुनि मनुष्य पशु पक्षी और मृग सब वहां से 10 दिशाओं को चले गए। भजन में शिव का फेरू मन में शिव की माला, करूं भजन में शिव का। त्र्यंबकेश्वर के रूप में ध्यान करूं मैं शिव कर मनवा, ध्यान करूं मैं शिव का।
इस प्रकार सभी को यूं जाता देख गौतम ऋषि बड़े चिंतित हो गए तथा 6 महीने तक तप करके वरुण देव को प्रसन्न करने में लग गए। वरुण देव ने प्रकट होकर मुनि से वर मांगने के लिए कहा। ऋषि ने कहा, भगवन, वर्षों से जल की प्यासी इस भूमि पर वर्षा करने की कृपा करें। वरुण देव ने कहा, देवताओं के विधान के विरुद्ध मैं वृष्टि नहीं कर सकता, किंतु मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं, इसलिए मैं तुम्हारी इच्छा के अनुरूप तुम्हें सदा अक्षय रहने वाला जल देता हूं। इसके लिए सर्वप्रथम तुम एक गड्ढा तैयार करो। वरुण देव के ऐसा कहने पर गौतम ऋषि ने 1 हाथ गहरा गड्ढा खोदा और वरुण ने उसे दिव्य जल के द्वारा भर दिया। परोपकार से सुशोभित होने वाले मुनि श्रेष्ठ गौतम से वरुण ने कहा, हे महामुनि, कभी न क्षीण होने वाला यह जल तुम्हारे लिए तीर्थ रूप होगा और पृथ्वी पर तुम्हारे ही नाम से इसकी ख्याति होगी। यहां किए हुए दान, होम, तप, देव पूजन तथा पितरों का श्राद्ध सभी अक्षय होंगे। जय जय शिव हो सबसे न्यारा द्वार तुम्हारा, भोले तुम हो सबका सहारा। ऐसा कहकर वरुण देव गौतम मुनि से प्रसन्न होकर तथा स्वयं ऋषि से प्रशंसित हो अंतर्धान हो गए। उस जल के द्वारा अब दूसरों का उपकार करके महर्षि गौतम को भी बड़ा सुख मिलने लगा। इस बीच गौतम मुनि उस परम दुर्लभ जल को पाकर विधिपूर्वक नित्य नैमित्तिक कर्म करने लगे। मुनीश्वर ने वहां नित्य होम की सिद्धि के लिए धान, जौ और अनेक प्रकार के निवार बोआ दिए। तरह तरह के धान्य, भांति भांति के वृक्ष और अनेक प्रकार के फल फूल वहां लहलहा उठे। यह समाचार सुनकर वहां दूसरे कई ऋषि मुनि, पशु पक्षी तथा बहुसंख्यक जीव जाकर रहने लगे। इस प्रकार वह वन उस अक्षय जल के संयोग से संपूर्ण भूमंडल में अपनी मोहक सुंदरता के लिए विख्यात हो गया। उस वन में अनेक शुभ कर्म परायण ऋषि अपने शिष्य, भार्या और पुत्र आदि के साथ वास करने लगे। गौतम ऋषि के प्रभाव से उस वन में चारों ओर आनंद ही आनंद छा गया। आपकी महिमा बड़ी निराली कैसे करें बखान, सारे जग में आप समाए फिर भी अंतर ध्यान। शिवका कर लो ध्यान, शिवका कर लो ध्यान। त्र्यंबकेश्वर हे गणेश्वर तुमको मेरा प्रणाम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः
एक समय गौतम ऋषि के आश्रम में ब्राह्मणों की स्त्रियां जल के प्रसंग को लेकर अहल्या पर नाराज हो गईं। उन्होंने अपने अपने पतियों को गौतम ऋषि के विरुद्ध भड़काया और वे सभी ब्राह्मण ऋषि का अनिष्ट करने के लिए गणेश जी की आराधना करने लगे। भक्त पराधीन गणेश जी ने प्रकट होकर वर मांगने के लिए कहा। ब्राह्मण बोले, भगवन, यदि आप हमें वर देना ही चाहते हैं तो ऐसा कोई उपाय कीजिए जिससे समस्त ऋषि डांट फटकार कर गौतम को आश्रम से बाहर निकाल दे। गणेश कहने लगे, मुझसे इस प्रकार का वर मांगकर तुम उचित कार्य नहीं कर रहे हो। बिना किसी अपराध के उन पर क्रोध करने से तुम्हारी हानि ही होगी। जब उपकारी को दुख दिया जाता है तो उससे इस जगत में अपना ही नाश होता है। शिव का पूजन, शिव का अर्चन देता है सुख चैन। शिव का पूजन, शिव का अर्चन देता है सुख चैन। झूठी माया पल भर की, पल भर की ये रेन रे मनवा, पल भर की ये रेन। श्री गणेश बोले, जब तुम लोगों को दुख भोगना पड़ा था तब महर्षि गौतम ने ही जल की व्यवस्था करके तुम्हें सुखी किया, परंतु आज तुम सभी उन्हें ही दुख देने का विचार बना रहे हो। स्त्रियों की शक्ति से मोहित हुए तुम लोग यदि मेरी बात नहीं मानोगे तो तुम्हारा यह बर्ताव गौतम के लिए अत्यंत हितकारक ही होगा, इसमें संशय नहीं है। अतः उनके साथ छल करना कदापि उचित नहीं है, इसीलिए तुम लोग कोई दूसरा वर मांगो। गणेश जी के इतना समझाने पर भी जब ब्राह्मण नहीं माने तो भक्तों के अधीन शिव कुमार ने कहा, तुम लोगों ने जो भी वर मांगा है उसे मैं अवश्य पूरा करूंगा, लेकिन इसके पीछे जो हानि है वह तो होकर ही रहेगी। ऐसा कहकर वे अंतर्धान हो गए। इधर गौतम ऋषि ने अपने खेत में जो धान और जौ बोए थे उनके पास गणेश जी एक दुर्बल गाय बनकर चले गए। दिए हुए वर के कारण वह गाय कांपती हुई वहां जाकर धान और जौ चरने लगी। उसी समय गौतम ऋषि वहां आ गए और मुट्ठी भर तिनके लेकर उन्हीं से गाय को हांकने लगे। उन तिनकों का स्पर्श पाते ही वह गाय पृथ्वी पर गिर पड़ी और ऋषि के देखते देखते उसी क्षण मर गई। जय जय शिव हो, भक्ति शिव की लेती परीक्षा, ये सब है उस वेशी ब्राह्मण और उनकी दुष्ट स्त्रियां वहां छुपकर सब देख रहे थे। उस गाय के गिरते ही वे सब के सब बोल उठे, गौतम ने यह क्या कर डाला।
गौतम भी आश्चर्यचकित हो गए। अहिल्या को बुलाकर व्यथित हृदय से दुखपूर्वक बोले, देवी ये क्या हुआ, कैसे हुआ? जान पड़ता है परमेश्वर मुझ पर कुपित हो गए हैं। अब मैं क्या करूं, कहां जाऊं, मुझे हत्या लग गई। मौका पाकर उसी समय ब्राह्मण और उनकी पत्नियां गौतम और अहिल्या को दुर्वचनों द्वारा पीड़ित करने लगी। सभी कहने लगे, अब तुम्हें अपना मुंह नहीं दिखाना चाहिए, तुम हमेशा के लिए यहां से चले जाओ। जब तक तुम यहां इस आश्रम में रहोगे तब तक अग्निदेव और पितर हमारे द्वारा दिए हुए किसी भी हव्य कव्य को ग्रहण नहीं करेंगे। इसलिए पापी गोहत्यारे, तुम अविलंब यहां से अन्यत्र चले जाओ। ऐसा कहकर उन सब ने उन्हें पत्थरों से मारना आरंभ कर दिया। गौतम ऋषि परिवार सहित तत्काल वहां से निकल गए और एक कूस दूर जाकर आश्रम बनाकर वहां रहने लगे। वहां भी उन ब्राह्मणों ने जाकर ऋषि को तंग किया और कहने लगे, जब तक तुम्हारे ऊपर हत्या लगी रहेगी तब तक तुम कोई यज्ञ आदि कर्म नहीं कर सकते। काल से ध्यान मगन है शंकर जी भगवान, शिव सत्य है, शिव है सुंदर, शिव का ऊंचा नाम। हे अमरेश्वर महाबलेश्वर आदि देव भगवान, मुनिवर गौतम बारंबार उन ब्राह्मणों से अपनी शुद्धि के लिए प्रार्थना करने लगे। उनके दीन भाव से प्रार्थना करने पर ब्राह्मणों ने कहा, गौतम तुम अपने पाप को प्रकट करते हुए 3 बार सारी पृथ्वी की परिक्रमा करो और फिर लौटकर यहां 1 महीने तक व्रत करो। उसके बाद इस ब्रह्मगिरी की 101 परिक्रमा करने के पश्चात ही तुम्हारी शुद्धि होगी, अथवा यहां गंगा जी को लाकर उन्हीं के जल से स्नान करो तथा 1 करोड़ पार्थिव लिंग बनाकर महादेव जी की आराधना करो तथा गंगा में स्नान करके इस पर्वत की 11 बार परिक्रमा करो। तत्पश्चात 100 घड़ों के जल से पार्थिव शिवलिंग को स्नान कराने पर तुम्हारा उद्धार होगा। उन ब्राह्मणों के इस प्रकार कहने पर गौतम मुनि ने बहुत अच्छा कहकर उनकी बात मान ली। मुनि श्रेष्ठ गौतम ने ब्राह्मणों की आज्ञा अनुसार उस पर्वत की परिक्रमा की और पार्थिव लिंगों का निर्माण करके उनका पूजन किया। साध्वी अहिल्या ने भी मुनि के साथ में रहकर वही सब कुछ किया। उस समय शिष्य प्रशिष्य उन दोनों की सेवा करते थे। गौतम ऋषि ने लिंग बनाए और किया शिव ध्यान, गौतम ऋषि ने लिंग बनाए और किया शिव ध्यान, बोले शिव शंकर मेरा आप करो कल्याण रे, भोले आप करो कल्याण। ऋषि के इस प्रकार आराधना करने पर संतुष्ट हुए भगवान शिव वहां शिवा और प्रमथ गणों के साथ प्रकट हो गए। तदंतर प्रसन्न हुए कृपा निधान शंकर ने कहा, हे महामुने, मैं तुम्हारी उत्तम भक्ति से बहुत प्रसन्न हूं, तुम कोई वर मांगो। मुनि
शिव जी की लंबी स्तुति करते हुए और प्रणाम करके हाथ जोड़कर बोले, देव मुझे निष्पाप कर दीजिए। महादेव ने कहा, मुने तुम धन्य हो तथा सदा ही निष्पाप हो। जिन दुरात्माओं ने तुम पर अत्याचार किया है वे ही पापी हैं, दुराचारी और हत्यारे हैं, वे सब के सब कृतघ्न हैं, उनका कभी उद्धार नहीं हो सकता। भोलेनाथ की ये बात सुनकर महर्षि गौतम मन ही मन बड़े विस्मित हुए। उन्होंने भक्तिपूर्वक शिव को प्रणाम करके हाथ जोड़ पुनः बोले, हे महेश्वर, उन ऋषियों ने तो मेरा बहुत बड़ा उपकार किया है। यदि उन्होंने ये बर्ताव न किया होता तो मुझे आपका दर्शन कैसे होता। धन्य है वे महर्षि जिन्होंने मेरे लिए परम कल्याणकारी कार्य किया है। गौतम जी की ये बात सुनकर महेश्वर प्रसन्न हुए और बोले, विप्रवर तुम धन्य हो, सभी ऋषियों में श्रेष्ठ तर हो, अतः तुम मुझसे उत्तम वर मांगो। जय जय शिव हो। ऋषि ने शिव को मन में पुकारा, भोले बाबा दे दो सहारा। से उनके शिव जी जागे, प्रकट हुए वो मुनि के आगे। शिव का कर लो ध्यान, शिव का कर लो ध्यान, शिव का कर लो ध्यान, शिव का कर लो ध्यान। हे महेश्वर महाकालेश्वर तुमको मेरा प्रणाम। महेश्वर महाकालेश्वर तुमको मेरा प्रणाम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। महर्षि गौतम बोले, हे देवेश, यदि आप मेरी भक्ति से प्रसन्न हैं तो कृपया मुझे गंगा प्रदान कीजिए। ऐसा कहकर गौतम ने देवेश्वर भगवान शिव के दोनों चरणार विंद पकड़ लिए और लोक हित की कामना से उन्हें बारंबार नमन करने लगे। तब शंकर देव ने पृथ्वी और स्वर्ग के सारभूत जल को निकालकर, जिसे उन्होंने पहले से ही रख छोड़ा था और विवाह में ब्रह्मा जी के लिए दिए हुए जल में से जो कुछ शेष रह गया था वह सब भक्तवत्सल शिव ने गौतम मुनि को दे दिया। उस समय गंगा जी का जल परम सुंदर स्त्री का रूप धारण करके वहां प्रकट हुआ। मुनिवर गौतम ने गंगा जी की स्तुति करके उन्हें नमस्कार किया। गौतम बोले, गंगे तुम धन्य हो, कृतकृत्य हो, तुमने संपूर्ण भुवन को पवित्र किया है, इसीलिए नरक में गिरते हुए मुझ गौतम को भी पवित्र करो। इसी बीच शिवजी ने गंगा से कहा, देवी तुम मुनि को पवित्र करो और तुरंत वापस न जाकर वे वस्वत मनु के 28वें कलियुग तक यहीं रहो।
शूजटा में आकर गंगा ने पाया विश्राम। तीनों लोक में उसे दिया शिव जी ने सम्मान। शिव का कर लो ध्यान, शिव का कर लो ध्यान। हे गंगेश्वर हे ज्ञानेश्वर भोले दया निधान। शिव जी के इस निर्णय को स्वीकार करते हुए गंगा ने कहा, महेश्वर यदि मेरा महात्म्य सब नदियों से अधिक हो और अंबिका तथा गणों के साथ आप भी यहां निवास करें तभी मैं इस धरातल पर रहूंगी। गंगा की ये बात सुनकर भगवान शिव बोले, गंगे तुम धन्य हो, मैं तुमसे अलग नहीं हूं, फिर भी मैं तुम्हारे कथनानुसार यहां स्थित रहूंगा। अपने स्वामी परमेश्वर शिव के ये वचन सुनकर गंगा ने मन ही मन प्रसन्न हो उनकी भूरी भूरी प्रशंसा की। उसी समय देवता प्राचीन ऋषि अनेक उत्तम तीर्थ और नाना प्रकार के क्षेत्र वहां आ पहुंचे। उन सभी ने बड़े आदर से जय जयकार करते हुए गौतम गंगा और गिरिशाई शिव का पूजन किया। अपने पूजन से प्रसन्न हो गंगा और गिरिश ने सभी देवताओं से कहा, हे श्रेष्ठ देवताओं वर मांगो, तुम्हारा भला करने की इच्छा से वह वर हम तुम्हें अवश्य देंगे। देवगण बोले, देवेश्वर शिव यदि आप संतुष्ट हैं और सरिताओं में श्रेष्ठ गंगे यदि आप भी प्रसन्न हैं तो हमारा तथा मानव जाति का कल्याण करने के लिए आप लोग कृपापूर्वक यहीं निवास करें। निर्मल पावन गंगा मांगी शिव जी से मुनिवर ने, निर्मल पावन गंगा मांगी शिव जी से मुनिवर ने। शिव जटा से आई गंगा सबको पावन करने रे मनवा, सबको पावन करने। देवताओं की बात सुनकर गंगा बोली, हे देवगणों सभी का भला करने के उद्देश्य से आप लोग स्वयं ही यहां क्यों नहीं रहते। मैं तो गौतम जी के पाप का प्रक्षालन करके जैसे आई हूं उसी तरह लौट जाऊंगी। आपके समाज में मेरी कोई विशेषता समझी जाती है, इस बात का पता कैसे लगे। यदि आप यहां मेरी विशेषता सिद्ध कर सकें तो मैं अवश्य यहां रहूंगी, इसमें संशय नहीं है। सभी देव विनम्र भाव से बोले, सरिताओं में श्रेष्ठ हे गंगे, बृहस्पति जी जब जब सिंह राशि पर स्थित होंगे तब तब हम सब लोग यहां आया करेंगे तथा 11 वर्षों तक लोगों का जो पातक यहां प्रक्षालित होगा उससे मलिन हो जाने पर हम उसी पाप राशि को धोने के लिए आदरपूर्वक तुम्हारे पास आएंगे। अतः तुमको और भगवान शंकर को समस्त लोकों पर अनुग्रह तथा हमारा प्रिय करने के लिए यहां नित्य निवास करना चाहिए। गुरु जब तक सिंह राशि पर रहेंगे तभी तक हम यहां निवास करेंगे। उस समय तुम्हारे जल में त्रिकाल स्नान और भगवान शंकर का दर्शन करके हम अपनी शुद्धि करेंगे, फिर तुम्हारी आज्ञा लेकर अपने स्थान को लौटेंगे। जय जय शिव हो। देव गणों की सुन के हर
पास गए शिव जी। भोले को प्रणाम, शिव शंकर को प्रणाम। भोले को प्रणाम, शिव शंकर को प्रणाम। हो गंगा को वहां गौतमी बोले, त्रयंबक कहलाए शंकर भोले। भोले को प्रणाम, शिव शंकर को प्रणाम। भोले को प्रणाम, शिव शंकर को प्रणाम। इस प्रकार उन देवताओं तथा महर्षि गौतम की प्रार्थना करने पर भगवान शंकर और सरिताओं में श्रेष्ठ गंगा दोनों वहां स्थित हो गए। वहां की गंगा गौतमी अथवा गोदावरी नाम से विख्यात हुई तथा शिवजी का ज्योतिर्मय लिंग त्र्यंबकेश्वर नाम से जाना जाने लगा। यह ज्योतिर्लिंग पातकों का नाश करने वाला है। उस दिन से लेकर जब जब बृहस्पति सिंह राशि में स्थित होते हैं तब तब सब तीर्थ क्षेत्र देवता पुष्कर सरोवर गंगा आदि नदियां तथा श्री विष्णु सहित अनेक देवगण गौतमी के तट पर पधारते हैं और वहीं वास करते हैं। ये सभी जब तक गौतमी के किनारे रहते हैं तब तक अपने स्थान पर उनका कोई फल नहीं होता। इस प्रकार जो कोई भक्ति भाव से त्र्यंबक लिंग का दर्शन पूजन स्तवन एवं वंदन करता है वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। महर्षि गौतम के द्वारा पूजित त्र्यंबक नामक ज्योतिर्लिंग इस लोक में समस्त अभिष्टों को देने वाला तथा परलोक में उत्तम मोक्ष प्रदान करने वाला है। के फूल चढ़ाए और करे गुणगान, सबका मन पावन करो करो मती सुजान। हे भवेश्वर गौतमेश्वर तुमको मेरा प्रणाम। भस्म लगी है तन पे और मन में लगा है ध्यान, उमा संग कैलाश पे है भोले विराजमान। शिविका कर लो ध्यान, शिविका कर लो ध्यान। हे हरीश्वर केदारेश्वर दूर करो अभिमान। शिव का वंदन जो करे मिले मान सम्मान, बिन मांगे सब कुछ मिले मिले मोक्ष वरदान। शिव का कर लो ध्यान, शिव का कर लो ध्यान। हे भीमेश्वर हे यज्ञेश्वर तुमको मेरा प्रणाम। शिवाले रूप निराले है अलग पहचान, कहीं है भोले कहीं है शंभु अलग अलग है नाम। शिव का कर लो ध्यान, शिव का कर लो ध्यान।
हे विद्येश्वर हे दुरेश्वर तुमको मेरा प्रणाम। महेश्वर महाकालेश्वर तुमको मेरा प्रणाम। कृपा कर लो ध्यान, कृपा कर लो ध्यान। हे सोमेश्वर हे सूर्येश्वर दूर करो अज्ञान। पिपलेश्वर हे सांडेश्वर भोले कृपा निधान। कृपा कर लो ध्यान, कृपा कर लो ध्यान। हे रुद्रेश्वर नंदकेश्वर अमरनाथ भगवान। कृपा कर लो ध्यान, कृपा कर लो ध्यान। हे सुरेश्वर हे भूतेश्वर तुमको मेरा प्रणाम।